subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Thank you.
पूरे देश के लिए गहरे दुख और सदमे की बात है कि आज भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हम सबके बीच में नहीं रहे। आज उनका नश्वर देह भी हम लोगों के बीच से चला जाएगा। कई दशकों तक भारतीय राजनीति की क्षितिज में प्रणव की तरह ही कांतिवान रहकर प्रणवदा काम करते रहे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, एज अ पार्लियामेंटेरियन उनके भाषणों ने हमेशा देश को एक अच्छी बहस दी, एक नई दिशा दी, एक नया निर्धार भी दिया। विपक्ष में हो या पक्ष में, नीतियों के निर्धारण की कटु आलोचना करनी हो या स्वयं नीति निर्धारण करना हो, हर बात में प्रणव दा का कौशल ये दिखाई पड़ता था। इतने लंबे सुदीर्घ करियर के अंदर वित्त, विदेश, रक्षा, कॉमर्स, कई सारे मंत्रालयों पर प्रणव दा की अमीर छाप हम देख सकते हैं और एक भी क्षति करे बगैर सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा कंट्रीब्यूशन करना शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रणव दा की। सबको साथ रखने की कला उनको महारत थी। जब सत्ता में थे तो विपक्ष के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में हमेशा वो काम करते रहे। जब विपक्ष में रहे तो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कभी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस को अपने सेवा का माध्यम बनाते हुए प्रणव दा ने एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति को कंट्रीब्यूट किया, समृद्ध किया, एक अच्छा दिशा दर्शन किया। ये राजनीति में आने वाले हर युवा के लिए प्रेरणादायी रहेगा ऐसा मुझे लगता है। और जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति भवन को आम आदमी के लिए खोलना ये उनके बहुत बड़ा फैसला था और उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी देश और विदेश सभी जगह अपनी विद्वता, अपना अभ्यासु स्वभाव और इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अपने ज्ञान को उजागर करते हुए देश का सम्मान हमेशा बढ़ाया। आज प्रणव दा हम लोगों के बीच में नहीं है। हम सब सार्वजनिक जीवन में जो काम करते हैं और देश की जनता सबके लिए एक लंबे समय तक ये अपूर्णीय क्षति रहेगी। और मैं मानता हूं कि जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होकर काम कैसे किया जा सकता है अगर वो सीखना है तो प्रणब मुखर्जी के जीवन को बारीकी से अभ्यास करना चाहिए। प्रभु प्रणव दा के आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों को ये विकट दुख सहन करने की शक्ति दे। यही प्रभु प्रार्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणव मुखर्जी, इनका अपने पार्थिव पर को छोड़कर जाना, उनके संपर्क में आए हम सभी संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक बहुत बड़ी कमी का सामना करने की घड़ी है। जब वो राष्ट्रपति थे तब दो बार और उसके बाद भी तीन चार बार मैं उनको मिला हूँ। पहली भेंट में ही उनके आत्मीय और उदार स्वाभाविक व्यवहार ने मुझे ये भुला दिया कि मैं भारत के राष्ट्रपति से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर के किसी बुजुर्ग से बात कर रहा हूँ। सब प्रकार की चालें भी वो जानते थे, परंतु इस राजनीति के ऊपर उठकर देश हित में सबको अपना मानकर चलने की और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सबको अपना बनाने की उनकी वृत्ति, ये सदैव उनके व्यवहार में हमने देखी है। हमने एक विद्वान को खोया है, देश हित के लिए सदैव चिंतित रहने वाले एक देशभक्त को खोया है। हमारे आपके सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार में विवेक
के मार्गदर्शन को देने वाले एक सुहृदों को खोया है, बुजुर्ग को खोया है। ये जो हमारी क्षति हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। मेरे जैसे कई लोगों के जीवन में प्रणवदा बहुत थोड़े समय के लिए आए, परंतु वो सदैव याद रहेंगे, सदैव लगेगा कि उनका होना हमारे लिए कितना आवश्यक था।